लंबे समय से राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष तयाना ने कहा कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति वितरित किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों में अब हमें टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग करेंगे। देहरादून से संवाददाता प्रमिता सारंग की रिपोर्ट। जी हाँ, अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में, और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं और फिजियोथेरेपी है, तो इन विभागों में जो है अभी हमें जो है कुछ टेक्नीशियन मिल जाएंगे। ये टेक्नीशियन जो है मेनली जो जितने भी उपचार होते हैं, हमारे चिकित्सक जो उपचार करते हैं और उनके साथ जो है ये सहयोग करते हैं और इनके अपने अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं, जितने भी टेक्निकल संवर्ग हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि दून चिकित्सालय में इनके नियुक्ति से जो है मरीजों को जो है लाभ मिलेगा, उपचार में सहयोग मिलेगा।